सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। What's up guys, this is AQ, welcome my YouTube channel। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ Windows 10 में XPS डॉक्यूमेंट राइटर को कैसे रिमूव करते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आपने AQTech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले विंडोज 10 की सेटिंग ओपन कर लेना है। ओके, विंडोज 10 की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर प्रिंटर एंड स्कैनर के ऊपर क्लिक करें। ओके, प्रिंटर एंड स्कैनर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये जो रिमूव डिवाइस है इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपको जो है कंट्रोल पैनल ओपन करना है। ओके, कंट्रोल पैनल ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर डिवाइस गिव डिवाइस एंड प्रिंटर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिंपल रिमूव डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। ओके, इसके ऊपर रिमूव के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों आपको उसके बाद फिर से कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर ये जो अनइंस्टॉल प्रोग्राम दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये टर्न विंडोज फीचर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है सिंपल। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट, यहाँ पर कहाँ है हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर। ये बॉक्स में जो चेक है इसको हम यहाँ पर अनचेक करते हैं। अनचेक करने के बाद इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी ये जो फाइल्स है वो फाइल्स अप्लाई हो रही है, अप्लाई चेंजेस। ओके, अब ये कंप्लीट होगा तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद ये जो माइक्रोसॉफ्ट XPS जो है वो अपने विंडोज 10 में से रिमूव हो गया है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। AQTech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।